भीख मंगा पाकिस्तान। सबसे पहले घबराना नहीं है, मुझे आज खौफ है। सबसे पहले घबराना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं पाकिस्तानी हूँ, मुझे आज खौफ है। सबसे पहले घबराना नहीं है कि पाकिस्तान उस रास्ते पे निकल गया है जो हमारे मुल्क की तबाही का रास्ता है। भीख मंगा पाकिस्तान, क्या आपने सुना नहीं? चलिए मैं रिपीट करता हूं आपके लिए, भीख मंगा पाकिस्तान। और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भीख मंगा पाकिस्तान जरूर लिखें। देखिए, भीख मंगे पाकिस्तान के भीख मंगे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ये कहता था कि आपको घबराना नहीं है, लेकिन अब उसका एक ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हो सकता है ये मेरा आखिरी ट्वीट हो। और उस ट्वीट में उन्होंने एक यूट्यूब वीडियो डाली है और ये भी लिखा है कि मेरा घर चारों तरफ से पुलिस ने घेराबंदी कर ली है। और उस वीडियो के अंदर वो बोलते हैं कि मैं एक पाकिस्तानी हूँ और मुझे आज खौफ है। ये वही इमरान खान है जो पहले बोल रहा था कि आपको घबराना नहीं है, आज वही भीख मंगा पाकिस्तान का भीख मंगा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल रहा है कि मुझे कितना खौफ है, मैं बड़े खौफ में जी रहा हूँ। देखिए क्या हालत है पाकिस्तान की। अभी भी कई लोगों को पाकिस्तान के तलवे चाटने हैं, कई लोगों को पाकिस्तान के गुनगान गाने हैं। देख लो पाकिस्तान की हालत क्या है, अभी भी गुनगान गाने हैं तो गाइए, लेकिन पाकिस्तान की हालत ये है। मेरे जितने भी इस वीडियो को देखने वाले भारतीय हैं और भारत के बाहरी कंट्रीज़ में भी जो भारतीय रहते हैं, वो पाकिस्तान को भीख मंगा लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में, बड़ा मज़ा आएगा कमेंट पढ़ने का। और देख लीजिए आप आज पाकिस्तान की हालत क्या है, उनके प्राइम मिनिस्टरों की हालत क्या है, कोई जेल में तो कोई भागता फिर रहा है, कोई घर में कैद है, कोई हाउस अरेस्ट है, और कोई ये कह रहा है कि मेरा हो सकता है ये आखिरी ट्वीट हो, आगे पीछे पुलिस ही पुलिस है। तो ये हालत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान के फॉर्मर प्रधानमंत्री इमरान खान इस समय खौफ में हैं। वैसे वो कहते हैं घबराना नहीं है, लेकिन आज खुद ही घबराए पड़े हैं। देखते रहें जेके मीडिया, धन्यवाद, राम राम।